हम तो सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। देखो मेरे को डोसा खिलाते याद है, पता है क्या, यहाँ से मेरी बहुत पुरानी यादें हैं। दिल्ली आओ और ट्रैफिक ना मिलो, ट्रैफिक से ना मिलो। डांडिया खेलने वाले अपने यहाँ। वैसे कितने हजारों या लाखों की शॉपिंग की आपने? उस घर की तीनों औरतें जो है उस घर से गायब हो गई हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छी होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में। तो दिल्ली हम आए हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ हम चंडीगढ़ में एक चीज बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। मिस क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे नान खटाई, जो कि मैंने बहुत बार बोला है कि हमारे यहाँ पे मिलती है, बहुत टेस्टी। तो आज ना घर के बाहर ही चल के आ गई है नान खटाई। तो एक तो आपको दिखाते हैं कि कैसे होती है, कैसे बनती है। तो ये जो आपको ये जलता हुआ एक क्या बोलते भैया इसको, मशीन में जो है आग जला रखी है और यहाँ से नान खटाई निकलेगी। भैया निकालना। तो ये रही नान खटाई। अच्छा मम्मी सुनो, आप मानोगे नहीं पायल, मेरा जब जैद पेट में था ना, मेरा इतना मन कर रहा था ना उस टाइम पे नान खटाई खाने का। देखो कहा था ना मैंने, मेरा प्रेगनेंसी की क्रेविंग थी जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, अब जाके कंप्लीट होगी ये। चलो भैया इसको फर्स्ट क्लास बना लो। चंडीगढ़ से आए स्पेशल नान खटाई खाने के लिए। भैया कितने का है? 250 ग्राम। आधा किलो ले लो ना, खाते रहना आधा किलो। इतना सारा थोड़ी खाएंगी? नहीं छोटे छोटे होते, बोलो ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे वाले होते हैं। वैसे गली में रहने का भी फायदा होता है, कुछ भी आए ना आस पड़ोस वाले ना बहुत प्यार देते हैं ना। हाँ हम तो सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ पे तो हर कोई मिलता है, बात करते हैं, हर कोई पूछते हैं गोलू कब आएगी, गोलू कब आएगी, पायल कब आएगी। गाइस ये है दिल्ली की मतलब चहल पहल। देखो अभी यहाँ पे नान खटाई वाले और यहाँ पे बुड्ढे के बाल। अच्छा चीकू होता ना तो पक्का लेता है। देखो लेने हैं, देखो खाने हैं। तो मैंने ये ले लिया, गरम गरम नान खटाई है। आपसे देखना खाई जाएगी, कितनी खा लोगे? कैसी है? एक नंबर। क्या हुआ गोलू? मजा आ गया? मजा आ गया। हमें भी मजा आ रहा है, गरम हो गया, गरम है, गरम गरम ही मजा आता है खाने में। चल चले चलो चले। यहाँ पे दिल्ली में इतनी फैसिलिटी है ना, इतनी फैसिलिटी है। देखो घर के बाहर ही मोची भी आ जाता है, मतलब आपको चप्पल जूते लेके ना वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा मोची को, मोची भी घर में आ जाता है। जब मोची आता था ना, जैसे हमारे भी मोची आता था ना, तो हम चप्पल जुड़वाते थे। पर अभी क्या है, चप्पल अगर टूट जाती ना तो चप्पल हम डिस्कार्ड कर देते हैं और फेंक देते, क्योंकि मोची वहाँ पे होता ही नहीं है। भैया रुक जाओ, चप्पल ठीक करवानी है। यहाँ पे ना तूबा सो रही है, तो मम्मी और चाचियाँ बोल रही है की तूबा को ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग चले जाओ, हम संभाल लेंगे, है ना। बिल्कुल वैसे एक बात है ना, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते नहीं ना, तो जॉइंट फैमिली में ना बहुत ही वो होता है, प्यार होता है, सब बच्चों के पीछे वो जाते हैं क्रेजी क्रेजी। अब वो अभी गया है काकू। हाँ काकू जा नहीं रहा था ट्यूशन। और मैं गली में ना जितनी मेरी जितनी भी मतलब पुरानी आंटियां थी ना, सारे सबसे मिली, पायल को भी सबसे मिलो। अब क्या किसी को ना आजकल के सोशल मीडिया इतना फैल चुका है ना, तो लोगों को ना एक दूसरे को पहचानने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं दूसरे को। तो गाइस बस मैं और गोलू निकल चुके हैं। ये गाड़ी हमारी है क्या? मुझे भी लग रहा है हमारी गाड़ी। बाहर ले चलो, हम बाहर आ गए, हम आगे थे, हम लोग गली से इसलिए आगे था कि गाड़ी को अंदर ना, ये गाड़ी गली में ना गाड़ी लाना और निकालना बहुत मुश्किल होता है, हम आ तो रहे बाहर ही आ गए थे। तो गाइस अभी हम लोग घूम रहे हैं पंजाबी बाग में, और अक्सर ना मैं पायल पंजाबी बाग आती रहती थी ना पायल। अभी रजौरी गार्डन है, आगे आएगा पंजाबी बाग। पंजाबी बाग नहीं है? नहीं यहाँ पहले ऐसे मत बोला कर। क्या ऐसे मतलब, यहाँ से आगे जाएंगे तो पंजाबी बाग पहुँचेंगे, अभी तो रजौरी की गलियों में घूम रहे हैं। तो मुझे तो इतनी टेस्टी लगी ना नान खटाई, घर से ना हम एक पैकेट उठा के भी लिया है, मुझे लग रहा है पहली पैकेट तुअर में निपटा देंगे है रास्ते में। तो मैंने ना अभी ना टाइगर भैया को भी दी, सूरज भैया को भी दी, क्योंकि ना ये जो चीजें है ना बड़ी प्यारी सी होती है। पायल ये वाली वही जगह है, चीकू के पापा ने एक बार डोसा खिलाया था और जूस भी लाया था यहाँ पे पीछे। देखो मेरे को डोसा खिलाते याद है? पता है क्या, यहाँ से मेरी बहुत पुरानी यादें हैं, जब मैं अरमान जी से पहली बार मिले थे तो हम यहाँ पीछे रहते थे रजौरी में, पीछे यहाँ पे हम इधर से खाना लेके जाते थे, यहाँ इस मॉल में घूमते थे, इधर बहुत सारी बहुत मस्ती की, यहाँ पे जिम थी हमारी। यहाँ पे पता है क्या हुआ, अभी यहाँ पे ना मिट्टी डली हुई, तो हमने ट्राई किया कि चलो गाड़ी जा सकती है, तो हमने देखा कि गाड़ी नहीं जा सकती, तो हमने रिस्क नहीं लिया, हमने अपनी गाड़ी पीछे कर ली। एक अंकल हमारे पीछे गाड़ी लेके, उन्होंने सोचा भाई ये नहीं निकाल पाए, मैं निकालूंगा, उनकी गाड़ी दिखा वो वहाँ पे देखो सामने, जब मेरी उंगली उनकी गाड़ी फंस गई। गाइस तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपने फेवरेट स्टूडियो पे पंक क्लोथिंग। यहाँ से बहुत सारे कपड़े मैंने पहने हैं, आपने देखे होंगे, तो मैंने आज सोचा कि मैं खुद विजिट करके ना अपनी पसंद से यहाँ से लेके जाती हूँ, क्योंकि जब भी ना मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ वो भी स्टफ अच्छा होता है, पर यहाँ पे वैरायटी इतनी ज्यादा है ना कि मतलब चूज करते करते आप थक जाओगे, पर वैरायटी खत्म नहीं होगी। तो आज मैं बहुत सारा स्टफ यहाँ से लेके जाने वाली हूँ। ये जो पूरा सेट पहना है ना गोलू ने, ये मैंने यहीं से अभी सिलेक्ट करके से बनाया, और सच में बहुत ही ज्यादा
ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है गोलू, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सेम ब्लैक में ट्राउजर लिया है और सेम शर्ट लिया है। तो गाइज मैंने वो पाल लिया, यहाँ पे कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग हमेशा सेम पहनते हैं, तो हमने सोचा काम करते हैं सेम शर्ट पहनते हैं। और यहाँ पे सेम मिल भी गया, और यहाँ पे सेम मिल भी गया। साथ ही साथ ना आप भी हमारे साथ ट्यूनिंग करना चाहते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हो या नन भाभी या दोनों बहने हो और आपको एक जैसे कपड़े पहनने हो तो यहाँ पे ट्यूनिंग भी आप कर सकते हैं। तो गाइज शॉपिंग करने में इतना ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि हर एक आउटफिट ना मैंने पहन कर देखी, क्योंकि क्या है कि ना आउटफिट दिखने में तो लगता है आ जाएगी आ जाएगी, पर जब हम उसे वेयर करते हैं ना तो उसकी जो फिटिंग है ना कभी कभी समझ नहीं आती। तो गर्ल्स को शॉपिंग करने में टाइम लगता है। सूरज भैया हमें आते बोल रहे, कह रहे इतनी देर में ना अगर अरमान भाई होते ना वो आधी दुकान ले लेते। मैंने क्या लड़कों का होता है, एक बार शर्ट का साइज लिया पल एल और बोला कि सारे कलर दे दो, बस डिजाइन ही तो चेक करना पड़ता है हमें। तो देखो लड़कियों के ऑप्शन इतने होते हैं गाइस, स्कर्ट टॉप, जींस टॉप, क्रॉप टॉप, थ्री पीस, टू पीस, टू पीस, थ्री पीस, वन पीस, लॉन्ग पीस, शॉर्ट पीस है, समझे सारे ड्रेसेस होते हैं। फिर उनमें गले अलग अलग होते हैं, कोई किसी का नेक डीप होगा, किसी का कॉलर नेक होगा, किसका स्टफ पतला होता है, स्टफ मोटा होता है, सब चेक तो समझे भैया। हाँ जी अब तो नहीं बोलोगे हमें? नहीं बोलूंगा। तो अभी जो हमारी शॉपिंग है ना खत्म नहीं हुई है, अभी भी खत्म नहीं हुई है। अभी हम यहाँ से पंजाबी बाग से तो निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं रजौरी गार्डन। जब हम लोग ना दिल्ली रहते थे ना मैं और पायल ना, हम रजौरी गार्डन की मार्केट ना अक्सर जाते थे, मतलब कि वो हमारी फेवरेट जगह थी शॉपिंग की, क्योंकि कुछ भी लेना होता था ना हम रजौरी जाते थे और वहाँ से शॉपिंग करते थे। तो गाइस फिलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ रजौरी गार्डन, इससे पहले हम लोग थे पंजाबी बाग में। तो रजौरी गार्डन में मैं कहाँ आई हूँ वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं यहाँ जिस शॉप में मैं आई हूँ वहाँ उसका थोड़ा सा कलेक्शन आपको दिखाती हूँ जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है सीरियसली। तो यहाँ पे आपको इंडियन नहीं सॉरी वेस्टर्न पार्टी ड्रेसेस, जीन्स टॉप सब कुछ मिल जाएगा एक स्टोर पे सब कुछ। तो गाइज मैंने यहाँ पे कर लिया बहुत सारी शॉपिंग क्यों करी है, क्योंकि मुझे आने वाले टाइम पे जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो मुझे बहुत सारे कपड़े जो है चेंज करने पड़ेंगे रोज रोज। और जैसे कि मैं बहुत ज्यादा पतली भी हो गई हूँ तो पहले वाले कपड़े जो है मुझे लूज हो रहे हैं, और प्रेगनेंसी वाले कपड़े तो बहुत ही ज्यादा लूज हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरे कपड़े जो है नए ले लिया जाए, और यहाँ से अच्छी शॉपिंग मेरे हिसाब से कहीं नहीं हो पाती। तो मेरी शॉपिंग तो होगी ऑलमोस्ट डन, गोलू की रह गई है क्योंकि गोलू को लेनी है जीन्स वगैरह, तो उसका जो सेक्शन है वो नीचे है तो वहाँ चलते हैं। तो गाइस हम लोग ना फंस गए दिल्ली के ट्रैफिक में, दिल्ली आओ और ट्रैफिक ना मिलो, ट्रैफिक से ना मिलो, सॉरी दिल्ली आओ ट्रैफिक से ना मिलो, ट्रैफिक से ना मिलो, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत देर से फंसे हुए हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे रजौरी गार्डन। तो गाइस जब भी हम दिल्ली आते हैं ना तो हम आपको यहाँ के ट्रैफिक की जरूर चर्चा करते हैं, और तो आज फिर उस ट्रैफिक की चर्चा कर लेते हैं आपके साथ कि वहां से निकले हुए हमें तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं और हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। अब जाके कहीं हम लोग पहुंचे हैं रजौरी गार्डन। तो अब यहाँ पे भी एक स्टोर है, बहुत अच्छा स्टोर खुला हुआ है कपड़ों का, और सच में जो कपड़े दिल्ली में मिलते हैं ना वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कहीं नहीं खरीदे जो कपड़े दिल्ली में मिलते हैं। तो इसलिए हमने सोचा था कि जितनी भी शॉपिंग करेंगे ना मांगे की वो दिल्ली से ही करेंगे, इसलिए मैं और गोलू स्पेशली दिल्ली आए हैं शॉपिंग के लिए। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई करा है कॉट सेट और बहुत ही सुंदर लगा है, स्नेहा अच्छा लग रहा है दोनों पे, बढ़िया। तो गाइस आए हैं अभी हमें आए हैं मेन रजौरी में, और स्टोर का नाम क्या है, इंक्रीज फैशन, इंक्रीज फैशन किंग्स ग्लिटर के बिल्कुल अपोजिट। और आज पायल और कृतिका को देख के सो वेरी एक्साइटेड और बहुत हैप्पी, मतलब एक ड्रीम होता है ना जो सच हो जाता है सच में। आज देखो आपका कलेक्शन इतना अच्छा है कि हमें आना ही पड़ा। थैंक यू, थैंक यू, किसको बोलोगे, मेरे को भी तो बोलो। इसने मुझे बताया स्नेहा ने कि जो तुझे चाहिए सब मिल जाएगा, लेकर आते हैं नेक्स्ट टाइम को हाथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पे ना कॉट सेट के बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न, और सच में कपड़ा जो है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा कपड़ा है, इतना कंफर्टेबल कपड़ा है ना ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पहना नहीं है लेकिन मैंने पहना हुआ है। और यहाँ पे डिजाइन भी जो है एक से एक है, नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो आप ये जो है रेगुलर वेयर में या फिर कहीं जाना हो, और जैसे कि हम अभी डांडिया खेलने वाले हैं अपने यहाँ तो हम रोज चेंज करेंगे, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो गाइस ये है शॉपिंग हमारी, देखो वहाँ से लेके यहाँ तक पन्नी भी कम पड़ गई, तो ब्लू वाले बैग के अंदर हमने कपड़े डाले, जो वो माल नहीं लेके आते लोग, बहुत सारा माल लेके आते हैं थैलियों में, तो जो पन्निया कम पड़ेगी ना ब्लू थैलियों में हम डाले। आप क्या करेंगे बोलू, मैं एक बार सारे ना दिखा देती हूँ आप लोगों को अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी कि क्या लिया क्या लिया क्या लिया, तो मैं धीरे धीरे करके सारे फटाफट दिखा देती हूँ, फिर ये ना सारे बैग खाली करके पैक कर दे अच्छे से, नीली थैली में पैक कर दे। तो यहाँ पर ना पापा ने गोलगप्पे खोल दिए हैं स्नेहा मेरे लिए और पायल के लिए, आप भी आ जाओ ना खा लो, सामने तो मेरे ऐसे रखे सारे मैंने ही खाने, सारे गोलगप्पे सिर्फ ये खाए।
है, तूबा खाएगी, सही बात है, तूबा के लिए है। वैसे तूबा ने बिल्कुल मम्मी को तंग नहीं किया, तंग करती नहीं। वैसे ये फायदा ही होता है पायल फैमिली का, माँ बाप का, फैमिली का यही फायदा होता है। तो यहाँ पे कपड़े बहुत सारे हैं और दिखाने का टाइम है कम, क्योंकि यहाँ से तूबा सो चुकी है और हमें भी सोना है। तो दिखा देती हूँ, सबसे पहले तो ये वाला गाउन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, ये है ट्यूब गाउन ऐसे वाला, इसकी बदियानी होती है। इसमें दो कलर लिए मैंने, एक ये वाला और एक ब्लू, ठीक है। उसके बाद मैंने ये दो बस्टियर लिए हैं, एक पिंक कलर का और एक व्हाइट कलर का, ये भी बहुत सुंदर है। उसके बाद गोलू ने लिया है ये वाला ब्लेजर, उसके बाद ये वाला हमने कॉट सेट लिया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर साइज है इसका एल, ठीक है। और उसके बाद ये वाला एक वन पीस लिया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, और इसमें दो लिए हमने, दो लिए मेरा ऑरेंज कलर है गोलू का पर्पल। फिर गोलू ने ये वाला ट्राउजर लिए दो, मैंने लिया एक, फिर ये लिया है मैंने एक, गोलू के साइज का आया नहीं है। फिर ये गोलू ने बड़ा सा शॉर्ट्स लिया है, ठीक है। फिर ये वाला टॉप लिया है, इसमें हमने दो कलर लिए ब्लैक और ये वाला कलर। फिर एक ये वाला लिया है YSL। तो भाई ये कपड़े दिखाते दिखाते रात हो जाएगी, तो जब हम पहनेंगे ना तब आपको अपने आप हमारे इंस्टाग्राम पे और हमारे ब्लॉग से दिख जाएगा। वैसे तो कितने हजारों या लाखों की शॉपिंग की आपने, वो अभी बताना मुश्किल है क्योंकि हमने अलग अलग जगह से अलग अलग शॉपिंग करी है ना। और अभी शॉपिंग खत्म भी नहीं हुई है, कल फिर चलेंगे कल सुबह फिर जाना है शॉपिंग करने। और गाइस हमें ये वाला कपड़े इतने अच्छे लगे ना, हम जो पहन के गए थे हमने वो निकाल के ये पहन के आ गए। तो गाइस इस लड़की को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है नाने के घर, या अपने भाइयों को शायद मिस कर रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि भाइयों के साथ ही सोती है ना, उठती है, नहाती है, खाती है, पीती है, सब कुछ। तो आज भाई नहीं है इसके साथ और दोनों भाइयों को बार बार कॉल करके पूरा पूछ रही हूँ मैं, तो सारे दोनों भाई इसके सो चुके हैं पर ये लड़की जो है बिल्कुल नहीं सो रही है। तो यहाँ पे तूबा है ना, वो अपने नानों के साथ फुल मस्ती कर रही है, फुल मस्ती, फुल एंजॉय कर रही है तूबो। नानों के साथ मस्ती कर ले, इसको नींद नहीं आ रही आज, नींद गई यहाँ पे ना। मेरा भी खाना आ गया, पायल ने अपना डिनर कर लिया है और पायल के पास पूछी जा रही है, पूछी बैठने आई है, टोंडी हटा के पूछी कह रही मैं बैठूंगी गोदी में। तो अभी अभी बच्ची के पापा का कॉल आया है और कह रहे हैं तू लेके चलेगी तूबा को नाने के घर, और यहाँ पे घर जो है तूबा के बिना खाली खाली लग रहा है, क्योंकि तूबा देखो लाडली अपने घर की, घर की तीनों औरतें गायब हो गई, घर की ना उस घर की तीनों औरतें जो है उस घर से गायब हो गई है। और देखिए देखिए क्या कर रही है, सिर्फ जेंट्स है वहाँ पे चार। पायल ये चीना का कमरा है, कमरा अच्छा बना दिया है, हाँ ये चीना का कमरा है, और ऊपर कन्नू है वो बैठा। वैसे बात बोलू ये ना मेरे को वो लग रहे हैं जैद और अयान। अच्छा ये तूबा का तूबा कह रही है, उसका चीना का सामान रखा। हाँ और ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है, साथ में बंदर भी। आ जाओ बहन में तो गुंडे कह रहे हैं, चाची का दिल लग रहा है पड़ेगा ना उसको स्कूल भेजने के लिए। सबसे घुल मिल जाती है ये नहीं, वो दोनों भी ऐसी है, वो दोनों भी सबसे घुल मिल जाते हैं। अब देखो हम यहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे, इसकी मालिश चाची, हाँ इसकी मालिश करती है अभी, मालिश करना है फटाफट से, इसकी मालिश कर देते सुबह वही है ना, सुबह घर जाना है।